उत्तराखंड के निकायों ने शानदार प्रदर्शन कर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में राष्ट्रीय स्तर पर 3 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। उत्तराखंड ने 100 से कम शहरी निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में तीसरा स्थान प्राप्त किया। छावनी क्षेत्र अल्मोड़ा ने सिटीजन फीडबैक क्षेत्र में तीसरे स्थान पर रहकर राज्य को तीसरा पुरस्कार दिलवाया। इसके अलावा नगर पंचायत नंदप्रयाग ने देश भर की 1,00,000 से कम आबादी वाली निकायों से सिटीजन फीडबैक श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चमोली जिले की नगर पंचायत नंदप्रयाग को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में पूरे भारत में प्रथम स्थान मिला है। ये उत्तराखंड राज्य के लिए गर्व की बात है और एक गौरवशाली पल है। इस खुशखबरी के बाद से जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। बता दें कि आने वाली 20 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के नगर पंचायत अध्यक्ष हिमानी वैष्णव को प्रथम पुरस्कार देंगे और उनको सम्मानित करेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में नगर पंचायत नंदप्रयाग ने पूरे देश में बेस्ट सिटीजनशिप फीडबैक अवार्ड प्राप्त किया है। यह हम सबके लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरे प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है। और इसके लिए मेहनत हमने शुरू से ही, ऐसा नहीं कि 2 या 3 महीने की हमारी मेहनत रही है, हमारी मेहनत साल से ही लगी हुई थी। और हम लोगों ने सबसे पहले 2 बिंदुओं पर बहुत ध्यान दिया। पहले जन जागरूकता पे और दूसरा है सेग्रीगेशन पे। जन जागरूकता अभियान हम लोगों ने शुरू से ही चलाना शुरू कर दिया था, जिसमें कि मैं स्वयं जाती थी अपने कर्मचारियों को लेकर, अपने पर्यावरण मित्रों के को लेकर, अपने पार्षद को लेकर। मेरा एक काम होता था कि हर हफ्ते हर क्षेत्र में जाना और वहाँ की सफाई करनी। चमोली जिले में नगर पंचायत नंदप्रयाग तकरीबन 3 किलोमीटर क्षेत्र के दायरे में फैला हुआ है। नगर पंचायत नंदप्रयाग में 4 वार्ड हैं, शकुंतला बगड़, अपर बाजार, चंडिका मोहल्ला और मुनियाली। नंदप्रयाग नगर में स्वच्छता को लेकर लोगों के बीच काफी अधिक जागरूकता है। 2019 के अप्रैल माह में नंदप्रयाग में सर्वेक्षण कार्य शुरू हुआ था। इसके तहत केंद्र की टीम ने 2 बार खुद नंदप्रयाग में आकर बहुत ही बारीकी से निरीक्षण किया था और नगर में स्वच्छता से संबंधित सभी इंतजामों को परखा था। नंदप्रयाग की कुल जनता तकरीबन 3,000 के करीब है। स्वच्छता के ऑनलाइन सर्वे में आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की टीम की ओर से नंदप्रयाग में स्वच्छता को लेकर वहां के निवासी समेत आम लोगों का भी किया गया था, जिसमें 30,000 से भी अधिक लोगों ने प्रतिक्रिया दी और नंदप्रयाग को स्वच्छता के मामले में पूरे भारत में प्रथम स्थान दिलाया। वहीं शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में राज्य सरकार नगरीय क्षेत्रों के लिए अत्यधिक गंभीरता से कार्य कर रही है। जो प्रमुख रूप से हमारे राज्य को 3 बड़े पुरस्कार मिले हैं, 100 से कम जो शहरी निकाय हैं, 2 भागों में भारत सरकार ने इसको डिवाइड किया है, 100 से कम निकाय और 100 से ज्यादा निकाय, कुछ पॉपुलेशन के हिसाब से भी किया है, दोनों में आपको बताऊंगा। इसमें 17 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, 24 है। इसमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, यानी हमारे राज्य को पूरे भारतवर्ष में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, इस प्रकार से ये हमारे लिए उत्साहवर्धक है। गौरतलब है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का टूल किट जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री आवसन और शहरी कार्य मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पुरस्कार वितरित किए। वर्ष भर चलने वाली इस राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया में देश भर के 4,242 नगरों और 62 कैंट बोर्ड ने भाग लिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने ये पुरस्कार प्राप्त किए। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।